ज्यादा खेत में बहन जावे हाँ। तो बस जैसे बैठे थे ऐसे उतर जावे फिर। अच्छा थकान नहीं होती? थकान नहीं होती। अरे थारे जैसे को कहां थकान हो रही है, जब पर्सनैलिटी देखो ऐसी ले रहे भाई। कमेंट करके जरूर बताइयो कि पर्सनैलिटी कैसी। को करीब करीब एक लीटर में दो बीघे काट दे। एक लीटर में डबल कर देगा टीलर से? सिंगल को दो बीघे एक ऊंचे पायदान में है। चार गियर है? चार गियर में है भाइयों, ऊंचे पायदान और 35 HP दोस्त। 35 की रेंज के साथ आता है। इंजन की बात करें, इंजन है इसमें S334। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा फार्मिंग में। भाइयों एक ट्रैक्टर मिल गया मैस्टी का 1035, गन्ने भर रखे हैं किसान भाइयों ने, तो पूरी चर्चा वीडियो में करेंगे। भाई ट्रैक्टर कैसा निकला, कब खरीदा, कौन सा मॉडल है, कैसा काम कर रहा, कितना तेल ले रहा, पूरी जानकारी किसान भाई से लेते हैं एक बार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, एक बार तो परिचय थोड़ा सा अपना। मेरा नाम सुनील त्यागी। अच्छा, मुबारकपुर। तो खेती कर रही है जी? हाँ जी खेती। चश्मे उसमें तो ऐसा लगा रखे जैसा जय देवगन हो क्या मामला? खेती कर रहे बिजनेस? नहीं जी खेती कर रहे। अच्छा देखो जी पर्सनैलिटी तो बता नहीं, एज क्या हो रही होगी? अरे 55 साल। 55 साल बस। देखो जी ये लगे आज असली हीरो हाथ, दाढ़ी वाड़ी अगर काली करवा लें तो बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह है जी। चलो जी बात करें ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर कब खरीदा है? ये खरीदा था जी 21 में 2021। कैसा काम कर रहा? बढ़िया काम कर रहा बहुत। इससे पहले कौन सा चला रहे थे? इससे पहले एस्कॉर्ट चला रहा था भाई। एस्कॉर्ट 35। अच्छा 35 में, और इसमें ये भी 35 HP है। हाँ। तो क्या फर्क लगा इसमें? उसमें इसकी पावर तो उससे खैर ज्यादा है। अच्छा पावर में 20 पावर का होगा, 30 पावर का होगा मुश्किल से। नहीं एस्कॉर्ट 35 तो 35 ही पावर में थे, पर 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर का फर्क। हाँ। था बस। अच्छा भाई जैसे इसमें आनंद आ रहा उसमें नहीं, आनंद तो इसमें ही है भाई, उसमें तो झोटा आंक रहे थे हम। अच्छा झोटा मतलब चाल कम थी? चाल भी कम थी, क्लच भी कैडा था, सारा धंधा कैडा ही कैडा था, स्टेयरिंग भी कैडा था। जोर की बात करें, जोर लगाने में इससे कैडा था कम नहीं, था जोर लगाने में भी यही ज्यादा है। अच्छा यही ज्यादा है। हाँ। अब आती है बात तेल की, तेल के खर्चे में? तेल का खर्चा भी उस जितना ही होगा उससे कम भी हो सके लगभग है। हाँ। अच्छा तो मतलब ट्रैक्टर लेकर पूरे संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट। कीमत की बात करें, क्या कीमत के अंदर उस टाइम लिया होगा? कीमत ली है था यो 535 का। अच्छा 5-5। जैसे और भी बहुत लोगों ने सजेशन दिए होंगे ये वाला लिया, ये वाला लिया ट्रैक्टर। हाँ, तो इसके लिए कैसे 41 में जाता है? कह रहे थे 41 लिए भाई। अच्छा 41 कह रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था 41। 41 बढ़िया नहीं लग रहा था, महिंद्रा पे विचार नहीं आया था? नहीं महिंद्रा पे विचार नहीं आया। कारण? बस कारण मुझे अच्छा लग रहा था, यही अच्छा लग रहा था। हाँ एक बहाने में सहूलियत रहे इसमें। नीले भी चल रहे हैं जैसे नीले रंग के ट्रैक्टर में फार्म ट्रैक? अच्छा ना ना वो अच्छा तो, वो नहीं क्यों? तो जैसे नीला है फार्म ट्रैक उसका? ना वो नहीं मुझे अच्छा लगता। अच्छा उसका खर्चा ज्यादा भी है, और जो जुताई करता की तो उसे सारे कुछ कर देता हूँ। ट्रैक्टर में सबसे बढ़िया चीज क्या है इसमें? बस चलाई बढ़िया है इसकी। अच्छा जरा खेत में बाहर जावे तो बस जैसे बैठे थे ऐसे उतर जाओ फिर। अच्छा थकान नहीं होती? थकान नहीं होती। अरे थारे जैसे को कहां थकान हो रही है, जब पर्सनैलिटी देखो ऐसी ले रहे भाई। कमेंट करके जरूर बताइयो कि पर्सनैलिटी कैसी है 55 वर्ष की आयु में भी। देखो दाढ़ी सफेद ना दिखाई दे तो आज भी युवा ही है बिल्कुल। तो अब ट्रैक्टर में देखो सारी चीज खूबी हमने पूछ ली, कोई कमी दिखाई दी हो जैसे 3 साल से चला रहे आप? कमी कुछ नहीं। जिस दिन तक ट्रैक्टर लाया उस दिन तक ना तो पानी गिरा। अच्छा जुगा तू जो कंपनी ने दे रखा वही है जुगा तू? कूलेंट ऐसा कैसे ही चल रहा? अच्छा कितने चेक करा था? अच्छा तो कूलैन इसमें भर रहा था, मुझे नूतामा का कभी पानी खत्म हो गया हो। हाँ, तो कोई वो नहीं ना कोई। कितनी सर्विस होगी अब तक? सर्विस होगी 500 घंटे चल लिया। 500 घंटे चल लिया तो क्या गन्ने की खेती कर रहे? बस गन्ने की खेती कर रहे। जैसे रूटावेटर की बात करें, चलाया रूटर कभी? रूटावेटर तो ही चलाया था इस पर। अच्छा तो क्या फुट का? 6 फुटा तो कैसा खींचा ट्रैक्टर? बढ़िया खींचा, जैसे मुझे और ने बताया रूटावेटर वालों ने। हाँ अब भाई 100 चक्कर तोड़ागा तो ठीक है। अच्छा ज्यादा तोड़ागा तो ऊपर ले लिए। हाँ। तो मैं तो दोनों लीवर छोड़ रखे थे। अच्छा और 100 चक्कर भी पूरे नहीं तोड़े थे, और वाहन में वैसे चलाया था। वाहन में चलाया तो मतलब मुंजी वाले में? हाँ। अच्छा तो कोई कमी मतलब रूटावेटर पे भी ट्रैक्टर फेल नहीं? ट्रैक्टर लगा आपको? 6 फुटी पे फेल। अगर किसान अपने लिए लेना चाहे 6 फुटी रूटर तो चला लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तेल की बात करें, तेल का जैसे ऑल ओवर एवरेज हम थोड़ा सा करें कि भाई कितना ले लेता होगा एक घंटे में? तो देखो करीब करीब 1 लीटर में 2 बीघे काट दे। 1 लीटर में डबल कर देगा टीलर से? सिंगल को 2 बीघे एक। अच्छा अच्छा 2 बीघे को सिंगल कर देगा? 1 लीटर में 2 बीघे वही 500 ग्राम में 1 बीघा।
अच्छा अच्छा टीलर पे, तो टीलर पे परफॉर्मेंस कैसी लगे? बहुत बढ़िया जी लगा, खूब कार सी चले। हाँ, कार और जैसे ट्रोली पे बताते हैं भाई होलेज के काम में यानी कि खिंचाई के काम में फेल है मेसी? नहीं मारा तो भाई, हम तो बुग्गी खेचे हैं उसमें। अच्छा, कितना 30-35 क्विंटल गन्ना लाते होंगे? 47 क्विंटल तक भर दिया। अच्छा, 47 तक भी भर दिया। देखो गन्ने की पैदावार भी बढ़िया ले रहे, पीछे दिख ही रहा होगा आपको 12-14 फुट का गन्ना हो रहा, तो क्या एवरेज निकल रहा गन्ने? ये निकल जाएगा जी 91-92 पेडी है, 38 कटिंग की, कटिंग की पे। जैसे किसान भाई कह रहे कि फेल है, 38 फेल होता जा रहा है। अभी तो फेल लगा नहीं, अभी तो ठीक। आपको नहीं लग रहा फेल अभी? मतलब अभी चलाओगे आगे इसे? हाँ, और बीज कोई बो रखा है? नहीं, अब कब होंगे? 18-35। अच्छा, 18 या 35। हाँ। जब ये कम नहीं निकल रहा तो और चक्कर में भी बढ़ने की जरूरत? थोड़ा सा बीज को स्पेयर में रखोगे कि भाई आगे अगर भविष्य में खराब होने लगा? बिल्कुल। तो कितने बीघे में लगभग खेती कर रहे होंगे अंदाजा? मैं 40 बीघे। 40, तो बढ़िया पैदावार करने की? बढ़िया, संतुष्ट हो गन्ने से? अच्छा, जैसे रेट नहीं बढ़ रहा सरकार से, कितने संतुष्ट हो? हम तो भाई संतुष्ट, 400 अगर दे तो और बढ़िया हो जाएगा जी, लग जाएगा। देखो पैदावार के साथ साथ अगर रेट भी सही मिल जाए तो कहीं ना कहीं एक सक्षम किसान हो जाएगा, है ना? तो अब ट्रैक्टर का तो रिव्यू बढ़िया ही रहा, तो कमी कोई ट्रैक्टर में लगी? ऊंचे पायदान है जैसे पहले? हाँ। नीचे आए करे थे यो और ज्यादा लाभ का यो और जैसे? हाँ। लंबे आदमी हो गोड्डे गाड्डे तो नहीं अड़ते? जैसे नुका कह रहे हैं थोड़ा सा एक ही दिक्कत आवे। हाँ। भाई जो नीचे पायदान के तो उनमें ज्यादा दिक्कत है, इसमें कुछ कम दिक्कत है। अच्छा, जैसे बाजी बार कोहनी लग जा मरगाड़ों में? मरगाड़ छोटे हैं। हाँ, एक ये सबसे मरगाड़ नेड़े भीड़ा सा कुछ ट्रैक्टर है, कोई सवारी बैठ जा, कोई हाँ, बीर, तो कोई बीर बन्नी को ले जा जंगल में किसी को, तो नुकाएगी कोहनी मारता चला गया मेरा है, यही बात है। चलो जी करो ट्रैक्टर स्टार्ट अपना गेरो। तो भाई देखो स्पष्ट बिल्कुल बात बताइए किसान भाइयों ने, और ट्रैक्टर जैसा भी लगे हो कमेंट करके जरूर बता दियो, और ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दियो। और ये देख लो जी ट्रैक्टर, ये ऊंचे पायदान में है, चार गियर है, चार गियर में है भाइयों, ऊंचे पायदान और 35 HP दोस्त, 35 की रेंज के साथ आता है। इंजन की बात करें, इंजन है इसमें S334, तो S334 है, बिल्कुल साफ सुथरा है, अभी 500 घंटे चला, घंटे भी एक बार दिखाएंगे इसके। ये देखो जी, ये देखो 494 घंटे चल गया, तेल भी फुल कर रखा आज बिल्कुल टैंक। तो वही 13-6-28 के साथ। ये देखो जी ऑल ओवर ट्रैक्टर का रिव्यू बढ़िया लग रहा है अपने, छोटे से मध्यम किसान, बड़े भी रख लो कोई दिक्कत नहीं, पर मध्यम किसान के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और बम्पर इन्होंने ऊंचा करवा कर लगवाया है, ये देखो कंपनी फिटेड तो आता है इसमें नीचा, तो इन्होंने ऊपर कटिंग करवा के इसे ऊंचा करवा दिया, ऊंचा करवा के ये हो गया कि इसकी जो सामने की टक्कर है वो बिल्कुल सही आ गई, तो कम से कम नीचे से हटेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास जो ट्रैक्टर है उसमें नीचा ही बम्पर है, तो उसमें बम्पर से आगे को लगाने का खतरा रहता। तो बम्पर कहाँ तैयार करवाया था जी? ये तो मंसूरपुर ही करवाया था जी। अच्छा, मंसूरपुर करवाया था, तो ऊंचा करवा दिया था ये बम्पर? उठवा दिया था। हाँ, उठवा दिया था, तो ये सब हाँ सपोर्ट के लिए बढ़िया रह गया। बाकी ब्रेकों की बात करें, ब्रेक ऑयल ब्रेक है, जैसे ब्रेकों में पहले बोधा था ट्रैक्टर, अब रपटता तो नहीं, जाम हो जा वहीं रुक जा, तो ब्रेक भी बहुत बढ़िया है भाई। ऑयल ब्रेक का यही फायदा है कि आपको ट्रैक्टर वहीं का वहीं रुकना रुक जाएगा, कोई निराशा नहीं होगी ट्रैक्टर चलाने में कि भाई हाँ रपटा जा रहा है। मैसी में ये दिक्कत रहती है पहले से कि भाई ब्रेकों में हल्का रह जाता है। ऑयल ब्रेक है, खैर सभी कंपनी ऑयल ब्रेक दे रही है अब तो। तो भाई वीडियो जैसी भी लगे हो कमेंट करके जरूर बता दियो, और ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। जय जवान जय किसान। गन्ना तो ठीक ठाक ही आ रहा किसान भाइयों का, भाई जो किसान मेहनती हैं ये अपना 38 को बचाए रखा अभी इन्होंने, तो ये अपना इधर ट्रैक्टर पैसे भी लेकर चलते हैं, अगर जुड़े रहिए है।